तो यार गाइज, आप में से किसी ने रिज्यूमे सेंड किया ही होगा ईमेल के थ्रू, पर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आया होगा, क्योंकि इसका रीजन है दोस्तों, आपने ईमेल ही ठीक से सेंड नहीं किया है और आपको मालूम ही नहीं कि ईमेल में क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ईमेल कैसे लिखना पड़ता है रिज्यूमे सेंड करने के लिए। कुछ लोग तो बस ऐसे ही कुछ रिज्यूमे अटैच कर देते हैं और डायरेक्टली सेंड कर देते हैं, कुछ भी लिखते नहीं वहाँ पे, नाम क्या है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं लिखते मेल में। तो ऐसे रिक्रूटर ना इग्नोर कर देते हैं ऐसे मेल को। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, आपको टाइटल कौन सा यूज करना है, आपका जो बॉडी होता है ईमेल की, जो बॉडी उसमें क्या लिखना है और आपको अपना प्रॉपर ईमेल कैसे बनाना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, तब तक आप चैनल को एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करके एक इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, पहले वीडियो देख लेना बाद में लाइक करना। चलिए करते वीडियो को शुरू, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक मेल आईडी, जो मेल आईडी है ये है एक एचआर का। तो आप सपोज देख रहे कोई लिंक्डइन पे एक जॉब एप्लीकेशन की एक पोस्ट, तो सपोज यहाँ पे मेंशन क्या है आपको ईमेल एड्रेस, तो आपको वही ईमेल एड्रेस उठा के यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने ये ईमेल एड्रेस डाला है और यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग ना सब्जेक्ट में क्या लिखना कुछ भी लिख देते हैं कि जॉब एप्लीकेशन अटैच माय आई अटैच माय रिज्यूमे, ऐसा कुछ भी लिख देते, पर ऐसा कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती दोस्तों। आपको एक प्रॉपर वे में एप्लीकेशन फॉर ऑटोमेशन लीड, अगर आपको कोई भी पोजीशन मिलती है यहाँ पे ऑटोमेशन लीड लिखा है, या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्वालिटी इंजीनियर के लिए है, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, या आप किसी भी आईटी फील्ड में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटोमेशन लीड, डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस का कोई डेटा एनालिस्ट, ऐसा कुछ कोई भी रोल हो आप यहाँ पे रोल लिख सकते हो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए और उसके बाद आपका नाम। नाम क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि कभी भी कोई एचआर आपका नाम सर्च करता है तो डायरेक्टली हेडिंग से आपका ईमेल जल्दी से उनको आसानी से मिल जाता है। तो कई बार आपको नाम लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है। पर दोस्तों कई बार ना आपको सैंपल प्रोवाइड किया जाता है जो जॉब पोस्टिंग करते हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए सैंपल प्रोवाइड किया गया है, मेक श्योर सब्जेक्ट ऑफ दिस मेल इन बिलो फॉर्मेट। तो पहले आपको रोल लिखना है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद आपको जॉब एप्लीकेशन। तो आप फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो और लोकेशन भी आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं, उन्होंने जैसा बोला है वैसा ही मैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ओके, सो लाइक दिस, सो आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं अगर आपको एचआर ने मेंशन किया है कि इस फॉर्म ने, अगर नहीं किया है तो आप पहले जैसा डायरेक्टली लिख सकते हैं सरावन। ओके, सो ये एचआर का नाम है। तो मैं इस तरह से आप डायरेक्टली एचआर का नाम भी लिख सकते हो और डायरेक्टली आप डियर सर लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं डियर सर लिखने का प्रयास करता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे डियर सर आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। पर क्या है दोस्तों, आईटी कल्चर में कोई सर वगैरह कोई मैम बोलता नहीं, डायरेक्टली नेम बोला जाता है। जैसे कि मैंने पहले लिखा था वैसा आप डायरेक्टली नेम भी आईटी में लिख सकते हो। अगर आप कोई और ब्रांच से है मैकेनिकल जैसे, आप डायरेक्टली सर और डायरेक्टली आप लिख सकते हो डियर एचआर मैनेजर टीसीएस। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने टीसीएस लिया है, आपकी जो भी कंपनी में मेल करना है वो आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ना एक अट्रैक्टिव टैगलाइन ऐसी डालनी चाहिए दोस्तों कि एचआर आपके अट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, आई रिसेंटली सॉ योर जॉब पोस्टिंग एन ऑटोमेशन लिंक पोजिशन ऑन सोशल मीडिया। तो आपने जॉब पोस्टिंग कहाँ पे लिखा वो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार एचआर बहुत सारी वेबसाइट पे अपनी पोस्टिंग डालते रहते हो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो सोशल मीडिया या आप डायरेक्टली लिंक्डइन भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ओके, सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आई क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन। तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस पोजीशन के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद अपॉन रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन मटेरियल आई होप दैट कैन यू सी व्हाई वुड बी अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। तो आप लिख सकते हो कि मैं इस जॉब के लिए क्यों फिट है। तो आप ऐसा मेंशन करना कि आप मेरा एप्लीकेशन जब देखोगे तो आप देख सकते हो कि मैं इस जॉब के लिए क्यों फिट हूँ। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, आई हैव ओवरऑल 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन क्यू लीड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस से ज़्यादा ही चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके स्किल सेट है दोस्तों, वो भी आप मेंशन कर सकते हो।
ये कोई कंपलसरी नहीं स्किल सेट लिखना, पर क्या है ना, रिज्यूमे कभी एचआर ओपन नहीं करता है फास्टली, आपका मेल पढ़ के उसको स्किल सेट दिख जाएगा, तो क्या है ना, आसान रहेगा एचआर के लिए। तो आप डायरेक्टली ऐसा ही इधर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कई बार एचआर प्रोवाइड करता है ऐसा फॉर्मेट में, आपकी करंट कंपनी कौन सी है, डेजिग्नेशन कौन सा है, ओके, सो एक्सपीरियंस कितना है, इधर 2.3 है, सो हम 5 ईयर्स के लिए भेज रहे हैं, तो हम इधर 5 कर देते हैं। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बी में आपका प्रेफर लोकेशन कौन सा है, पुणे या बैंगलोर, आप कोई भी एक लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रीज़न फॉर जॉब ऑप्शन आप लिख सकते हैं, इंटरपर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। उसके बाद आपका नोटिस पीरियड क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और आपका करंट सिटी सी और एक्सपेक्टेड क्या है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड में ना बहुत बार हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि कितना लिखूँ, तो गाइस आप डायरेक्टली सीधा लिख दीजिए एज पर कंपनी नॉर्म्स, मतलब कंपनी जितना चाहेगी उतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा उतना मतलब उनका रूल्स के हिसाब से हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा हम लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये तो हुआ हमारे एक अट्रैक्टिव लाइन, हमने जॉब कहाँ से देखा और मैं क्यों इसके लिए एलिजिबल हूँ वो हमको मेंशन करना है। उसके बाद हमारे स्किल सेट लिखना है, स्किल सेट जो भी है। उसके बाद आपको करंट कंपनी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है, कंपनी का नेम, उसके बाद आपका पोजीशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका क्वालिफिकेशन, लोकेशन कौन सा प्रेफर करना है वो आपको लिखना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक अट्रैक्टिव लाइन आपको लिखनी है, माई रिज्यूमे इज अटैच्ड टू द मेल, ओके, तो आपको रिज्यूमे अटैच करना है, और थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू लुक फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन मटेरियल्स, मतलब जो भी आप मेरा एप्लीकेशन देख रहे हैं उसके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना समय निकाला मेरे एप्लीकेशन देखने के लिए। उसके बाद आप लिख सकते हो, इफ़ यू आर हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड प्लीज रीच आउट, आई टुक फॉरवर्ड हेयरिंग फॉर यू, मतलब आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके लिए मैं वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, और आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अब यहाँ पे दिया है, और आप लास्ट में लिख सकते हो यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड, ओके, ऐसा लिख सकते हैं आप थैंक्स एंड रिगार्ड, वो आप ऐसा मेंशन कीजिए, और लास्ट में आपको थैंक्स लिखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था तो बाद में लिखा नहीं, ओके, तो आप लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, और यूअर सिंसियर और आपका नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल तो आप बोलेंगे कि ईमेल तो मैंने पहले ही लिखा है, और दोस्तों कई बार ना रिक्रूटर फॉरवर्ड करते हैं ईमेल तो आपका मेल वहाँ पे दिखता नहीं, तो आप ना डायरेक्टली यहाँ पे अपना मेल भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, आपका जो भी ऑफिशियल मेल होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लाइक दिस। सो ऐसे एकदम आसान तरीके से मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये CV भेजने का तरीका है। तो वाइज हमने यहाँ पे रिज्यूमे भी अप्लाई अटैच नहीं किया, तो मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगा, आपको अटैच कैसे करना है देखिए, आपको जो भी फोल्डर में आपका रिज्यूमे पड़ा है उस फोल्डर में आपको जाना है, रिज्यूमे सैम्पल या फिर नहीं है शायद, ओके, तो मैं देखिए यहाँ पे हमारा रिज्यूमे है और डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे अपलोडिंग हो गया। उसको बाद आपको डायरेक्टली करना है सेंड, ओके, मैं अभी फिलहाल नहीं करता हूँ सेंड, ओके, तो है हो गया एप्लीकेशन। गाइस बहुत सारे लोगों को एक फ्रेशर के लिए कैसा मेल लिखना है, तो चलिए फ्रेशर के लिए मैं बताता हूँ, हम आ गए फ्रेशर के लिए भी मैंने यहाँ पे एक लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी एचआर का मेल है वो आप डाल दीजिए, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर QA मैनुअल टेस्ट इंजीनियर, जो भी आप पोजिशन देखते हैं वो पोजिशन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ओके, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ये फ्रेशर के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेशर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसको भी पता चलेगा ना रिक्रूटर को कि एक किसके लिए पोस्ट मेल्स किया, क्योंकि उनके बहुत बहुत सारे मेल आते हैं दोस्तों, तो वो गेस नहीं कर पाएंगे कि किस लिए मेल भेजा है, तो आप जरूरी है कि आपको यहाँ पे अपने पोजीशन और एक्सपीरियंस लिखना, ओके, सो डियर एचआर कर ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, एचआर का नाम मैंने पहले बताया, और आई रिसेंटली सॉ योर जॉब पोस्टिंग ऑन क्यू मैनुअल टेस्ट, ये हम पहले बोल चुका हूँ कि क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है आई हैव कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स फ्रॉम XYZ ट्रेनिंग सेंटर पुणे। अगर आपने कोई कोर्स किया है या आपके कुछ स्किल सेट है या आप क्यों बेटर है आप उस जॉब पोजिशन के लिए आप इसमें मेंशन कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप यहाँ पे स्किल सेट भी अपना लिख सकते हो, ओके, सो
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट फास्ट लिखा है, तो मैंने वो स्किल्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आप वो सेम लाइन यहाँ पे लिखना है, माई रिज्यूमे इज अटैच्ड टू द मेल और थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम माई एप्लीकेशन, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द एम्प्लॉयर ऑप्शन इन टू प्लीज आई टू फॉलो टू हैंग। और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर और मेल भी यहाँ पे लिखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेशर को लिखना है, प्रेशर को ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्योंकि उतना डिटेल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप वैसे मैंने पहले बताया वैसे अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिए। ओके सपोज ये मेरा सीवी है और ये अटैच हो गया, और ये सो लाइक दिस आपको ऐसा ईमेल लिखना है भाई। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये ईमेल लिखने का, ऐसा ईमेल सैंपल आपको कोई नहीं बोलेगा पूरे यूट्यूब पे। मैंने बहुत ही सिंपल सैंपल यहाँ पे दिया है और ये लिखना बहुत ही ज़रूरी क्योंकि इसके बिना तो एचआर आपको पहचान नहीं सकेगा कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है और करंट कंपनी कौन सी। देखिए ये तो सब आप बोलोगे कि रिज्यूमे में मेंशन होता है क्या, करंट कंपनी क्यों लिखने की जरूरत है, क्योंकि रिज्यूमे ना हर एचआर ओपन नहीं करके देखता, क्योंकि पहले वो मेल पड़ेगा और मेल भी ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये स्किल सेट मैंने ज़्यादा लिखा है, थोड़े भी आप लिखोगे ना तो भी चलेगा। ओके सो इस तरीके से आपको मेल लिखना है। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे ईमेल लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसा अट्रैक्टिव ईमेल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।